हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडिया की झटपट से बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसका नाम है मैसूर बोंडा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने स्पॉन्जी बने हैं। इनको हम सर्व करेंगे नारियल की चटनी के साथ, उसकी रेसिपी भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जिसके लिए एक पैन में 2 छोटी चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चने की दाल। 1 मिनट सौटे करने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन की कलियां और 1/3 कप के करीब मैंने इसमें डाला है नारियल। यहाँ पर मैंने गीला नारियल लिया है, साथ ही साथ इसमें 1 पिंच के बराबर डालेंगे हींग। इन सभी चीज़ों को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपके पास गीला नारियल नहीं है तो आप यहाँ पर सूखा गोला भी ले सकते हैं। इन्हें में बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। जब 2 मिनट हो जाएं, तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब मिक्सर ठंडा हो जाए, इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ ही साथ इसमें मिलाएंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार और 2 छोटी चम्मच नींबू का रस और 1/2 कप के करीब हम इसे मिलाएंगे पानी। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें और पानी भी मिला सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 छोटी चम्मच तेल गरम किया है और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई और साथ ही साथ 8 से 10 करी पत्ता। अब हम इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट से ये तड़का हम अपनी नारियल की चटनी पर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। तो आइए फटाफट से मैसूर बोंडा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 1/2 कप दही, नमक अपने स्वाद के अनुसार और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अब इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे से विस्क करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैदा। अगर आप मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पर 3/4 कप आटा भी ले सकते हैं। मैसूर बोंडा को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। बाकी का बचा हुआ पानी भी हम इसमें डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे, ताकि बैटर अच्छे से फ्लफी हो जाए और जो मैसूर बोंडा है वो काफ़ी स्पॉन्जी बने। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 8 से 10 बारीक कटे हुए करी पत्ता और 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सभी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं और चाहें तो साथ साथ इसे बोंडा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए बोंडा बनाने के लिए। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1/2 बारीक कटी हुई प्याज। जब हम मैसूर बोंडा बनाने लगे, हमें प्याज तभी मिलाना है। अगर हम प्याज पहले मिला देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा और जब हम बोंडा को तेल में फ्राई करेंगे तो फ्राई करते समय ये फ्लैट हो जाएंगे। वैसे तो प्याज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, मैसूर बोंडा में प्याज या कोई सब्जियां नहीं मिलाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज या फिर सब्जियाँ अपनी चॉइस के हिसाब से मिला सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने 1 कढ़ाई में तेल गर्म किया है और जो तेल है वो काफ़ी तेज गर्म होना चाहिए, जिसमें हम बोंडा तलेंगे। अगर तेल मीडियम गर्म होगा या कम गर्म होगा तो जो बोंडा है वो काफ़ी तेल अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से वो ऑयली बनेंगे। हाथ को थोड़ा सा पानी में भिगा लेंगे और उसके बाद बैटर हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालते जाएंगे। ऐसा करने से बैटर हाथ पर नहीं चिपकेगा और साथ ही साथ डालने में आसानी रहेगी। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और शुरू के 2 से 3 मिनट हम इनको बिल्कुल नहीं चलाएंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाएं, तब हम इन्हें हल्के हाथों से पलटते हुए दूसरी तरफ से भी हल्का सा गोल्डन कर लेंगे।
इनको फ्राई करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये देखिए मैसूर बोंडा बनकर तैयार है। तो अब हम इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को घर पर जरूर बनाएं, ये बहुत टेस्टी लगेगी आपको। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।